दौसा में बुधवार को जयपुर एसीबी ने दो एसडीएम को 5 लाख की रिश्वत लेते और 10 लाख की मांग करते पकड़ा है। इनमें बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा और दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल हैं। एसीबी ने पुष्कर मित्तल को दौसा में सिविल लाइंस के घर से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जबकि बांदीकुई एसडीएम ऑफिस से पिंकी मीणा को रिश्वत की मांग करते हुए गिरफ्तार किया गया है। बाद में एसीबी की टीम एसडीएम पिंकी मीणा को दौसा एसडीएम के आवास पर लेकर आई, जहां दोनों अधिकारियों से एसीबी ने पूछताछ की। वहीं इस मामले में दलाल नीरज मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल भी शक के घेरे में है। रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है नेशनल हाईवे का, उसमें कुछ प्रशासन के और पुलिस के अधिकारी जो है वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इस शिकायत पे हमने सत्यापन करवाया था, जिसमें ये क्लियर हुआ कि एसडीएम दौसा जो मित्तल साहब हैं, पुष्कर मित्तल, वो और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें पुष्कर मित्तल है उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड करी और एसडीएम बांदीकुई पिंकी मीणा है उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड करी। तो आज इनको पुष्कर मित्तल जो है इनको 5 लाख रुपए रंगे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और जो पिंकी मीणा है उनकी 10 लाख रुपए की डिमांड पे उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी